चालीस सौ रुपया ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झील सैफ अल मलूक वाले रोड के ऊपर और मेरा सफ़र है यहाँ से झील सैफ अल मलूक के लिए। रास्ता कैसा है, कितने किलोमीटर का सफ़र है और झील सैफ अल मलूक पर क्या सीन है, तमाम अपडेट इस वीडियो में आपको देंगे। और ये देख सकते हैं बेशुमार जीप्स खड़ी हैं और बेशुमार जा चुकी हैं, सुबह सुबह का टाइम है, वहाँ पहुँच कर मज़ीद डिटेल देते हैं। इससे पहले हमने जो है इस्लामाबाद से लेकर मानसहरा और फिर जो है नारान तक का रोड दिखाया था। इस चैनल पर इस तरह की अपडेटेड वीडियो आती रहेंगी, अगर आप मजीद इस तरह की अपडेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और चलें चलते हैं, आपको मजीद डिटेल देते हैं रास्ते की और वहां पहुंच कर आपको सीन दिखाते हैं। झील वाला स्टैंड जो है ये आप देख सकते हैं, जैसा कि सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये नारान का बाज़ार जैसे ही ख़त्म होता है तो पुल स्टार्ट होता है, पुल के पास से ये जीप वाला स्टैंड है जो कि झील सैफ अल मलूक के लिए निकलता है। ये हमारे साथ चाचा हैं, चाचा ने बताया कितना, चाचा कितना चार्ज करते हैं? ये 4500 रुपया ले रहे हैं, 2 घंटे टाइम है ऊपर झील पे। ठीक है, और अकेले बंदे के लिए भी गाड़ियां मौजूद हैं जी। आने जाने का 4500 है और सिंगल बंदे के लिए जीप्स हैं, नीचे सवारी वाली वो भी हमें मौजूद हैं। चलें चलते हैं, मजीद डिटेल देते हैं आपको। आखिरकार हमें गाड़ी मिल चुकी थी और मैं अकेला था इसलिए मैं सवारियों की गाड़ी में जा रहा हूँ। सवारियों में कुछ इस तरह साफ होता है, ये देखें सब कुछ अंदर रखा हुआ है। आखिर पुलिस वालों ने मैं रोक लिया, वजह ये बनी कि ऊपर लटके हुए थे बच्चे और वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो उन्होंने हदायत दी अंदर बैठ के जाएँ, लटक के ना जाएँ। सो बहरहाल फिर भी हम जो है गाड़ी के अंदर हो गए और खड़े होकर फिर भी वीडियो वगैरह बना रहे हैं। 13 किलोमीटर का रास्ता है, कहीं से ठीक है और कहीं से जो है वो आपको नज़र आएगा पत्थरों वाला है, और तकरीबन 40 मिनट लगेंगे टोटल। और ऊपर जाके झील सैफ अल मलूक के नज़ारे करवाते हैं, जैसे कि आपने झलकियों में भी देखा होगा बड़े खूबसूरत सीन है। और इसके अलावा ड्रोन के शॉट भी ले रहे हैं वहाँ पे, ड्रोन कैमरा से शॉट भी दिखाएंगे आपको और ये भी दिखाएंगे कि ऊपर कौन कौन सी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। और ये कुछ इस तरह से मनाजर हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के सीन हैं, जीप्स पे जीप्स आ रही हैं जा रही हैं और मनाजर आप चेक करें, मनाजर इन्जॉय करें। और कुछ इस तरह से मनाजर आपको ये देखें, होटल ग्लेशियर की जद में आया था और ये सब लोग फिर दोबारा से लटक चुके हैं। और इस तरह के सीन हैं, सामने आपको स्नोफॉल नज़र आ रही है यानी कि बर्फ़ मौजूद है और यहाँ भी आप देख सकते हैं किनारों किनारों पे बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। और ये हम लोग गुजर रहे हैं ग्लेशियर के अंदर से। जिन लोगों के पास 4x4 गाड़ी है वो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया आप इन इलाकों की तरफ ड्राइव कर सकते हैं। हम अगर मशवरा दें तो आप लोकल गाड़ी में ही आएं क्योंकि ये लोग जो होते हैं इन रास्तों से बाखूबी वाकिफ होते हैं और 4500 चार्ज करते हैं आने जाने का, 2 घंटे वहां पे स्टे होता है, 2 से ज्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी, वो आपके लिए इंतजार करते हैं ये लोग। अगर बंदा दही साथ लेके आए ना तो मेरे ख्याल से इस इलाकों में इन जो रास्ता है झील सैफ अल मलूक का यहाँ पे लस्सी बन जाए, इतना जो है वो गाड़ी हिल रही है कभी दाएं कभी बाएं। मनाजर बहुत प्यारे हैं, रास्ता जैसा भी है इन मनाजरों को देख के रास्ता भूल जाता है।
देख सकते हैं गाड़ी कैसे जा रही है। हिम्मत है इन ड्राइवर्स की जो कि इन हलाकों की तरफ ड्राइव करते हैं। तकरीबन हमने आधे से भी ज्यादा सफर तय कर लिया। अब किलोमीटर लिखे हुए रहे हैं जगह जगह, वरना हम आपको किलोमीटर भी बताते। और ये हम गलत साइड से घुस रहे हैं। यहाँ पे ऐसा ही होता है, जहां से आपको रास्ता बेहतर लगता है वहां घुस जाएं और दूसरा अपनी साइड दूसरी साइड पे कर लेगा। कभी लेफ्ट से चले जा रहे हैं, कभी राइट से चले जा रहे हैं, बस रास्ते तक है। वाह जी, खूबसूरती चेक करें और ये रास्ता भी चेक करें फिर उसके साथ ना, इस तरह खतरनाक रास्ता। ये देखें, वो नीचे कहीं पे दरिया नजर आ रहा है और बिल्कुल किनारे से गाड़ी का टायर गुजर रहा है। ये देख लें, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के ड्राइवर माहिर होते हैं रास्तों से। बाकी अल्लाह की मदद और दवाएं पढ़ के बस सफर को जारी रखें। बल आखिर हम 13 किलोमीटर का सफर 45 मिनट में तय करने के बाद पहुंचे हैं झील सैफुल मलूक कर, और नजारे देखकर माशाल्लाह। और ये खूबसूरती झील सैफुल मलूक जमी हुई साइडों से जो है वो पानी वगैरह है, वहां पे जो है कश्तियां वगैरह चल रही हैं। नजदीक जाते हैं फिर आपको बोटिंग वगैरह भी दिखाते हैं, वहां का टिकट भी दिखाते हैं, क्या सीन है, क्या टिकट है। जीप्स का तूफान आया हुआ है, ये देख लें, दूर दूर तक बिखरी हुई जीप्स। और ये हम पार्किंग एरिया की तरफ मुड़ते हुए, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, यानी कि जो टेम्परेचर चल रहा है वो 8 सेंटीग्रेड चल रहा है और दिन के 12 बजने को हैं। खुद हिसाब लगा ले, हमने अपने साथ स्वेटर नहीं लाई, बाज लोग अपने साथ स्वेटर वगैरह लेके आए हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, घुड़सवारी वगैरह भी हो रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देख लें, घुड़सवारी हो रही है और ये सामने जो है स्टिक दिए जा रही है, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो स्टिक लेके जाएं, 50 रुपये रेंट पे मिल रही है। और ये शूज़ भी मिल रहे हैं 100 रुपये रेंट पे, ताकि आपके शूज़ ख़राब ना हो, उनके अंदर बर्फ़ ना जाए। वैसे होता कुछ भी नहीं है, बहरहाल चलें ठीक है, कारोबार है, चलता है। ये देखें, वैसे ही स्टिक्स पकड़ाई हुई हैं लोगों को, वैसे ही स्टिक्स पकड़ाई हुए हैं लोगों को, लेकिन हो सकता है शहर के लोग हैं आदि ना इन रास्तों के, स्टिक का सहारा ज़रूरी है। अब हम अपने से कुछ जज नहीं कर सकते, बड़ा अंदाजे लगा सकते हैं, जो कि हमारी लोगों की आदत है हम समेत। और ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह हैं, दिखाते हैं आपको बोटिंग करते हुए लोग, बताते चलें। ये एक राउंड लगवाते हैं वो सामने झील पर और वहीं से वापस लेके आते हैं किनारे किनारे पे, और 800 रुपये बुकिंग का ले रहे हैं पूरी बोट का, और अगर एक बंदा जाना चाहता है तो 300 रुपये टिकट है। बाज़ लोग 200 पकड़ा रहे हैं, 250 पकड़ा रहे हैं, कुछ इस तरह से मनाजर हैं। आगे की तरफ चलते हैं, फिर ड्रोन कैमरे से आपको जो है नज़ारे करवाते हैं। और एक नज़र ये भी देख लें, ये भी एक्टिविटी हो रही है झील के ऊपर, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बकरी के बच्चा जो है ना, इसके साथ आप पिक्चर निकलवा सकते हैं, लेकिन फ्री में नहीं, 100 रुपये देना होगा, 50 रुपये देना होगा, फिर आप इसके साथ पिक्चर निकलवा सकते हैं। उठा के भी बहुत प्यारा बच्चा था,
और ये देखें कश्तियां वगैरह चल रही हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। आपको पुल के उस पार के सीन दिखाते हैं, ऊपर जो है ऊंची जगह वहां पे भी बैठते हैं और वहां पे जो है स्नोफॉल मौजूद है, ऐसा लग रहा है कि ताजी ताजी स्नो हुई है, वो आपको दिखाते हैं। पहले ये सीन देख लें, बहुत मजे के सीन है। 2024 जून का महीना और कुछ इस तरह मनाजर है। अगर आप जून जुलाई अगस्त जहाँ भी देख रहे हैं जगह यहीं पे मौजूद हैं, आपको ये खूबसूरती मिलेगी। कैसा लग रहा है आपको अपना पाकिस्तान? उम्मीद है आपको अपना पाकिस्तान पसंद आ रहा होगा, तो फिर हम पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं। इसलिए वीडियो के नीचे अगर आपने सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आपका पाकिस्तान मजीद प्रमोट हो और हम इस तरह की मजे मजे की वीडियो लेके आते रहेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर अक्सर लोग हाथ हिलाते हुए नजर आएंगे, सो ये कैमरे की तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो वीडियो में आना चाहते हैं। तो बाज लोग वीडियो वगैरह बनाते तो जरूर हैं लेकिन काट लेते हैं, सो हमने नहीं काटा, ये भी खुश हो जाएंगे वीडियो वगैरह देख के, सो इनको भी हम अपनी वीडियो में ले लेते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, वीडियो बाकी है, आप ड्रोन कैमरा के शॉट इंजॉय करें। सो आपको ड्रोन कैमरा के शॉट दिखाते हैं, ड्रोन कैमरा के शॉट देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, तो सीन एंजॉय करें। इसके बाद मजीद आपको रोड का व्लॉग भी इसी चैनल पर मिलेगा और इसके अलावा बाबूसर टॉप के रास्ते का व्लॉग भी मिलेगा, अगर ओपन हो गया तो, अब मजीद 4 से 5 दिन में ओपन हो जाएगा। और ये कुछ इस तरह से मनाजर हैं, सीन चेक करें और इंजॉय करें।